हेलो दोस्तों, मैं हूँ रामकृष्ण, आप देख रहे हैं घूमकर राजा और मैं आज जा रहा हूँ गहलोर। लेकिन रास्ते में एक मंदिर है दोस्तों, काफ़ी फेमस मंदिर है इस इलाके का। ये जो इलाका है वजीरगंज है गया जिले के, और वजीरगंज से 15 किलोमीटर की दूरी पे है गहलोर। गहलोर के बारे में आगे बताऊंगा, पहले इस स्थान के बारे में बताता हूँ। ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ के लोगों में एक प्रचलित दंत कथा है, यानी इन लोगों में ऐसा माना जाता है कि जो रुक्मिणी थी उनका हरण जो है भगवान श्री कृष्ण ने इसी मंदिर के पास किया था। कि मैं आपको इस मंदिर को दिखाता हूँ कैसा है ये मंदिर, तो इसके बाद मैं चलने वाला हूँ गहलोर। गहलोर में आपको मैं मांझी का जो काटा हुआ पहाड़ है, दशरथ मांझी का, आप जो उनको मांझी द माउंटेन मैन बायोपिक में आपने उन्हें देखा है, तो मैं उनको उस चीज़ को दिखाऊँगा आपको, उस पहाड़ को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी क्या है कि यहाँ दशहरा का मेला लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं गांव का मेला कैसा होता है, मिलता क्या है यहाँ। आप देख सकते हैं पानी पूरी यहाँ मिल रहा है, इधर जो है जलेबियाँ बन रही है, और इसी प्रकार से दूसरी तरफ जो है मिठाइयाँ मिल रही है, वो भी बहुत वो मिठाइयाँ नहीं मिलती जो शहरों के बड़े बड़े दुकानों में मिलती हैं, बिल्कुल साधारण सी मिठाइयाँ मिलती हैं यहाँ। तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ मेले में मिलती है। हम लोग यहाँ से गहलोर की तरफ चल पड़े, और रास्ता काफ़ी सुहावना था, हरे हरे खेत और एक तरफ पहाड़, बिल्कुल मन को मोह रहा था। दोस्तों मैं अभी क्या है गहलोर आ गया हूँ, और रास्ता आपने देखा जब मैं रास्ते से आ रहा था, तो इतना खराब रास्ता है आज के में, मतलब हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, रास्ता आज भी इतना खराब है। अगर कोई भी व्यक्ति सरकार से प्रश्न करेगा, यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनसे प्रश्न किया जाएगा, तो केवल एक जवाब देते हैं, फंड नहीं है, अन्य समस्याओं की का वो हवाला देते हैं। लेकिन दोस्तों जरा एक बार सोचिए उस व्यक्ति की जिसने इस पहाड़ को काट डाला हो अपने 25 साल देखे, उसके पास फंड था नहीं था, बात है दोस्तों नीयत की। जब नीयत ही नहीं होगी तो सड़क बनना तो दूर। अब आते हैं मुद्दे पर। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं, इस पहाड़ के ठीक पीछे एक गांव है गहलोर, दशरथ मांझी वहीं के निवासी थे। पहले वो बचपन के दिनों में वो धनबाद में एक कोल माइंस है, कोयले की खदानें वहां काम किया करते थे। जब वो लौटे तो उनकी पत्नी एक बार क्या है इसी पहाड़ से दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी उनकी पत्नी की, और तब दशरथ मांझी ने ठान लिया था कि वो इस पहाड़ में रास्ता बनाएंगे, और अपने 25 साल देके निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहे, और उन्होंने इस रास्ते का निर्माण कर दिया। लेकिन दोस्तों आज भी आप देखें तो जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी पड़ी हैं। यहाँ का जो मतलब आसपास देखेंगे आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, यहाँ जो है इकोसिस्टम जो है इकोनॉमी है उतनी अच्छी नहीं है, आज तक अच्छी नहीं है। इस गांव की ना इकोनॉमी अच्छी है ना इधर की अच्छी है। आपको दिखाऊंगा तो यहाँ का पहाड़ क्या है, यहाँ खेत कैसे हैं। अब आते हैं दोस्तों दूसरी बात पे। इस पहाड़ को जो दशरथ मांझी ने काटा है वो केवल चेनी और हथौड़ी की मदद से काटा था, उधर भी मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए मेरे साथ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो पहाड़ हैं उन पे आपको एक भी पेड़ नहीं दिखेगा, मतलब जो पेड़ दिखेंगे वही ताड़ और खजूर वाले, जो जनरली अरिड यानी शुष्क क्षेत्र में दिखते हैं। और सौभाग्य से हमें एक इमली का पेड़ मिला जहाँ हम खड़े थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो चारों तरफ जो मतलब है खेत हैं वो सब ऐसे ही हैं, थोड़ी दूर जाके खेती होती है। यहाँ की इकोनॉमी मुख्यतः जो है कृषि आधारित ही हैं, इसलिए यहाँ पे कोई खास निर्माण कार्य आपको नहीं दिखेगा। तो यही है वो
पहाड़ जिसे दशरथ मांझी ने काटा था, ये परतदार चट्टानों की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब गेलौर से हम लोग वापस जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग तपोवन और कुरकिहार करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ एक और, जब दशरथ मांझी जी इस पहाड़ को काट रहे थे तो एक और बड़ी घटना हुई थी कि जब वो पहाड़ को काट रहे थे तो इतना पहाड़ काटने पे जो मोरम निकला था, जो पत्थर छोटे छोटे निकले थे, लोगों ने उन पत्थरों को बेच खाया। उनमें से एक पैसा भी दशरथ मांझी को नहीं मिला था। वो यहाँ के आसपास के लोग थे, वो सब बेच खाए थे। तो लेकिन फिर भी दोस्तों याद रखिए, भले उन्होंने बेच खाए हों, उन्हें कोई नहीं जानता, आज जानता है दशरथ मांझी को। इसीलिए किसी ने कहा है, लेबर नेवर गोज इन वेन, मतलब परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। उन्होंने अपना नाम बना लिया दशरथ मांझी ने। नाम बनाने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों। और इस पर मुझे एक पंक्ति याद आ रही है रामधारी सिंह दिनकर की, कि खमथोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। अभी दोस्तों मैं हूँ तपोवन में। तपोवन दोस्तों कहा जाता है, ये जो तपोवन है उस रास्ते पे स्थित है जो राजगीर से बोधगया जाता था। किस समय? जब भगवान बुद्ध, मतलब के समय की बात है ये, भगवान बुद्ध इसी रास्ते से राजगीर से बोधगया जाया करते थे। और इस तपोवन में क्या है, दो गर्म पानी के कुंड हैं, मतलब जो कुंड बने हुए हैं वो गर्म पानी के हैं, वहाँ ठंडा पानी नहीं आता। साल भर हमेशा ठंडे में, जाड़ा में, गर्मी में हमेशा गर्म पानी निकलता है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध से जुड़ी स्मृतियाँ हैं, तो उनके कुछ अवशेष भी हैं मंदिरों के। अब यहाँ क्या है, अब जाके निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है, मतलब भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, उनकी स्मृतियों से संबंधित अन्य चीज़ें, अन्य निर्माण किए जा रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ कैसा है तपोवन। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो कुंड है वो गर्म पानी का कुंड है। यहाँ जो पानी आता है ना, वो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं उसी से रिसके आता है। और जो गर्म पानी है, कहा जाता है कि इस पहाड़ में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, इस कारण यहाँ का पानी हमेशा गर्म होता है। दोस्तों अभी मैं एक और दूसरे कुंड पे आया हूँ तपोवन के, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत छोटी छोटी सी मछलियाँ हैं, मैं उनको दिखाऊंगा। और इसका पानी काफ़ी गर्म है। तो यहाँ पे टोटल 4 या 5 कुंड बने हुए हैं, और पीछे जो है इस कुंड का पानी जो है ना हमेशा आता है, और पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं उससे रिश्ते हुए आता है। और कुंड से जितना अच्छी निकासी की व्यवस्था होती है उतना ही साफ पानी मिलता है कुंड में। तो चलिए आपको दिखाते हैं मछलियों को, और छोटे छोटे मेंढक भी हैं इस कुंड में, तो आपको मछलियाँ दिखाता हूँ कितनी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी हैं। दोस्तों मैं अभी हूँ गया जिले के छोटे से गांव कुरकिहार में। ये जो गांव है गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस गांव में मेरा आने का कारण है दोस्तों, यहाँ
का मूर्तियों का मिलना। यहाँ जो मूर्तियाँ मिलती हैं दोस्तों, काफ़ी उत्कृष्ट मूर्तियाँ हैं। ये गंधार कला से संबंधित जनरली मूर्तियाँ हैं। गंधार कला यानी जिस कला में बौद्ध मूर्तियों का निर्माण ज़्यादा होता था उनसे, और ये सारी मूर्तियाँ जो हैं लगभग गुप्त काल की मिली हुई हैं। दोस्तों बात है 1847 की। 1847 में क्या हुआ कि इस जगह पे, इस गांव में खुदाई हुई, और खुदाई में लगभग 10 गाड़ी मूर्तियाँ मिली थी। और उस समय कोई अंग्रेज थे अधिकारी, वो जो है सारी मूर्तियों को कलकत्ता के म्यूजियम में ले गए। और जब समय आया, भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के बाद जो मूर्तियाँ मिली वो सारी की सारी मूर्तियाँ जो हैं दोस्तों पटना के म्यूजियम में रखे गए। पटना के म्यूजियम की अधिकांश मूर्तियाँ इसी गांव से निकली हैं। यहाँ एक मंदिर है दोस्तों इस गांव में, और काफ़ी विख्यात मंदिर है। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। तो यहाँ जो देवी माँ की प्रतिमा है, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बाकी मूर्तियों को दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ के लोगों की एक मांग है कि उनका कहना है कि आज भी यहाँ इस गांव में बहुत सारी मूर्तियाँ जो हैं टीले के अंदर, गढ़ के अंदर दफन है, और उनकी मांग है कि यहाँ एक म्यूजियम बनवाया जाए, उसी म्यूजियम में इन मूर्तियों को रखा जाए। और ये मांग जो है यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी की गई थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और इस मंदिर के एक पुजारी हैं अनुज पांडे, आपके पिताजी का नाम राजू पांडे जी। अच्छा, आपका नाम क्या, नहीं दिक्कत क्या आ रही है आपको नाम? चाहिए सर कि हमारा जो है सो नाम, इस मंदिर का पुजारी हम तो है, और मंदिर का मतलब आप सेवा कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? हम तो सर तो हमारा 30 साल से तो कर रहे हैं। और पिताजी कितने साल से कर रहे हैं? जी हमारे 75 साल के हैं। मतलब 75 साल से ही कर रहे हैं। और आगे के परिवार भी करते रहे? आगे का हमारे दादाजी, परदादाजी। लेकिन आपका नाम नहीं है? नाम नहीं है। अच्छा जी। मेरा परिवार लोग का जो है सो हमारे पापा जी का भाई लोग का नाम है, तो हमारे पापा जी का ही नाम है। अच्छा, मतलब आपका जो परिवार है इसी पे आश्रित है, मंदिर पे? जी मंदिर पर ही आश्रित है सर जी। और हमारा कुछ नहीं धंधा उंधा है, सिर्फ माता जी का ही सेवा करते हैं और वही धंधा हमारा है जी। दोस्तों ये जो गांव है कुरकिहार, यहाँ से निकली मूर्तियाँ कलकत्ता, पटना, नवादा और लंदन जैसे म्यूजियम में गई, लेकिन आज भी यहाँ कोई विकास मतलब पर्यटन की दृष्टि से नहीं किया गया है इस गांव का। आज भी यहाँ मूर्तियाँ, बहुत सारी मूर्तियाँ दफन हैं। माना जाता है कि ये गांव जो है प्राचीन काल में मूर्ति निर्माण कला का एक क्षेत्र रहा था, मतलब यहाँ मूर्ति का निर्माण ही किया जाता था, इसलिए यहाँ इतनी ज़्यादा मात्रा में मूर्तियाँ मिलती हैं। दूसरा, हमें कहा जाता है दोस्तों कि बिहार में पर्यटन का विकास नहीं है। दोस्तों पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा संभावना है, बात है सरकार का इस ओर ध्यान देने का। जिस जगह की मूर्तियां लंदन के, कलकत्ता के और पटना जैसे म्यूजियम में रखी हो, उस गांव में आज भी इतनी मूर्तियां होते हुए भी सरकार अगर ध्यान न दे तो फिर गलती किसकी है? दोस्तों पर्यटन का बढ़ावा ये सरकार की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। खैर, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें मेरे इस पॉइंट पे कि क्या हमारे देश में, हमारे माफ कीजिएगा राज्य में, बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।